नमस्कार, दिस इज अनुज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर फ्रॉम एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम रशिया और यूक्रेन के तनाव की स्थिति और युद्ध की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, करंट अफेयर के टॉपिक में या इंटरव्यू में, या आपको बेसिक जानकारी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कि है क्या ये तनाव, कारण क्या है तनाव का, इसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव भी देखेंगे। देखो, दो वर्ल्ड वार हुई हैं अभी तक, 1914 टू 1918 पहली वर्ल्ड वार थी हमारी, 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार थी। इसके बाद जो 1945 था, उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होगी, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, पोलराइजेशन मतलब वर्ल्ड जो है दो ब्लॉक्स में बढ़ गया था, एक वेस्टर्न ब्लॉक एक ईस्टर्न ब्लॉक, जो यूएसए सपोर्टेड, यूएसए एंड इट्स सपोर्टेड कंट्रीज, उनको वेस्टर्न ब्लॉक बोलते थे, और यूएसएसआर एंड उसके सपोर्टिंग जो कंट्रीज थे उनको ईस्टर्न ब्लॉक बोलते थे। तो ये सोचा जाता था, समझा जाता था कि जल्दी ही थर्ड वर्ल्ड वार होगी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, बट एक ओल्ड वार ही रही। जो इरा 1945 के बाद से लेके 1991 तक है, उसको माना जाता है ओल्ड वार इरा। कोल्ड वार इसलिए, कभी ये हॉट वार हुई नहीं, प्रॉपर वार नहीं हुई, इंटरनल वार थी, फुल फ्लैश वार नहीं थी, इसलिए कोल्ड वार बोला जाता है। देखो, जो तो यूएसए की नीति थी वो कैपिटलिज्म की थी, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका नाम था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, 91 से पहले ये नाम था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इनकी सोशलिज्म की पॉलिसी थी, समाजवाद इसको बोलते, इट वॉज ऑल टूगेदर डिफरेंट देन द पॉलिसी बींग अडॉप्टेड बाई यू एस ए। वो कैपिटलिज्म था, ये समाजवाद की पॉलिसी थी। समाउ कारणवश तीन मेजर कारण थे 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटेग्रेट हो गया, तीन पार्ट में बट गया, तीन कंट्रीज आजाद कंट्री बन गए। सबसे बड़ा कंट्री रशिया, सेकेंड बेलारूस एंड यूक्रेन। सो देर वॉज अ डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। कारण थे इंटरनल पोलिटिकल इशूज, मेजर कारण इकोनॉमिक भी था, एक और कारण एथनिक डिसइंटेग्रेशन था। कुछ समय बाद ये 8 नए रिपब्लिक बने, इसमें मीन्स टोटल कंट्री बन गए 11। आज की डेट में देखा जाए, इन ए डिकेड और सो 91 के बाद 15 कंट्री इसमें से बने हैं यूएसएसआर में से, जिसकी मेजर इनहेरिटेंस की जाती है रशिया द्वारा। मीन्स रशिया ने यूएसएसआर की इनहेरिटेंस की है, मेजर वो कंट्री रहा यूएसएसआर के बाद जो नाम लिया गया वो रशिया है। बाकी कंट्री हैं जैसे बेलारूस है, जैसे यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, ऐसे 15 कंट्री टोटल बने हैं रशिया को मिला के, 15 रिपब्लिक्स एट प्रेजेंट। और जो क्वेश्चन आ सकता है आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होनी चाहिए जानकारी, 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचोव, प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, सोवियत संघ के, उनको रिप्लेस किया बोरिस जेल्सिन ने एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट रशियन स्टेट प्रेसिडेंट। बोरिस जेल्सिन, ये आपको आइडिया होना चाहिए, 30 ईयर की हिस्ट्री आपको डिटेल में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बेसिक मैंने पहले का बता दिया वर्ल्ड वार के बाद का। देखो, अर्ली 90s में यूक्रेन की पॉलिसी रही है, अर्ली 90s यूक्रेन के बनने के बाद, 91 में यूक्रेन बना, इनका था कि हम सोवरेन रहें, सोवरेनिटी मतलब प्रभु सत्ता, हम किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स आजाद, लेकिन सोवरेन यह है कि किसी के कंट्रोल में रहना, किसी को रिपोर्ट करना। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम वी विल बी सोवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, विद बैलेंस कोऑपरेशन विद द यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड अदर पॉलिटीज, जो भी पावरफुल पॉलिटीज है बाकी कंट्री, बैलेंस कोऑपरेशन लेंगे। बैलेंस कोऑपरेशन इनका फंडा था ईयू के साथ, ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन, रशिया के साथ जो इनका पेरेंट कंट्री था सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन में से जो मेजर कंट्री बचा था वो रशिया था, या बाकी अदर पावरफुल पॉलिटीज के साथ ये बैलेंस कोऑपरेशन रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो मेजर शुरू हुई, मेजर प्रॉब्लम जो शुरू हुई, वो बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, इसको यूक्रेनियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है,
यूक्रेनियन रेवोल्यूशन बोला जाता, जो कि 18 फरवरी से 18 फरवरी 2014 से 23 फरवरी 2014 तक रही है। 18 फेब 2014 to 23 फेब 2014 था क्या ईयू और वेस्टर्न कंट्रीज ने टॉपल कर दिया था जो मेजोरिटी प्रेसिडेंट था, मेजोरिटी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच। ही वाज ए सपोर्टर ऑफ रशिया, जो ही वाज ए सपोर्टर ऑफ रशिया, इसको टॉपल कर दिया गया था। ये मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, 3 साल 362 दिन उन्होंने टोटल एज ए प्रेसिडेंट काम किया। 22 फेब को टॉपल कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था और नया प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर टर्चिनोव को अपॉइंट कर दिया गया। अलेक्जेंडर टर्चिनोव को अपॉइंट कर दिया गया 23 फेब 2014 को, क्योंकि यूक्रेन ईयू चाहता था ट्रेड एग्रीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था यूक्रेन के साथ। एंड आल्सो दे वांटेड टू साइन पॉलिटिकल एसोसिएशन विद यूक्रेन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्योंकि ये बिल्कुल बगल में है रशिया के। रशिया का था कि द पॉलिटिकल हेगेमनी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज ईयू एंड नेटो विल इंक्रीज इन नियर बाई एरियाज ऑफ रशिया। तो उन्होंने, क्योंकि क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला जो ब्लैक सी में है, वो सपोर्टर्स थे रशिया के, तो रशिया ने उसको आजाद करा के अपने साथ मर्ज कर लिया। इट वाज बीइंग इन्वेडेड एंड अनेक्स्ड, इन्वेड करके अनेक्स कर लिया गया। ये मेजर प्रॉब्लम रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बाद अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया की थी। क्रीमिया वाज अर्लियर पार्ट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का पार्ट था ये, क्योंकि रशिया को ये चीज पसंद नहीं आई कि रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के थ्रू उन्होंने विक्टर यानुकोविच, जो कि सपोर्टर था रशिया का, उसको टॉपल कर दिया था यूरोपियन यूनियन। आज की डेट में जो मेजर इशू चल रहा वो यूरोपियन यूनियन और नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता था यूक्रेन, और ये भी चाहते थे यूरोपियन यूनियन और नेटो। नेटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, 30 कंट्रीज का। ये कि अगर ये किसी नेटो कंट्रीज, अगर जो ज्वाइंट नेटो कंट्रीज हैं, उस एक कंट्री में भी कोई युद्ध की घोषणा करता है, तो सारे कंट्री मिलकर रिटेलिएट करेंगे। तो रशिया को लगा कि हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा है, हमारी इंडिपेंडेंस पे भी खतरा है, ये एक कारण है, ये रशिया का कहना है। आज की डेट पे थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें कि रशिया और यूक्रेन का विजेबिस क्या है। साइज वाइज देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें, तो 14.61 करोड़ की पॉपुलेशन है इस समय रशिया की, प्रेजेंट पॉपुलेशन 14.61 करोड़। यूक्रेन देखा जाए तो 4.13 करोड़, बट एरिया वाइज ना रशिया इज 28 टाइम्स बिगर देन यूक्रेन, 28 टाइम्स बिगर देन यूक्रेन। करंट अफेयर में इनकी आपको राजधानी का पता होना चाहिए, कैपिटल रशिया की कैपिटल मॉस्को है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, कीव, के वाई आई वी, कीव। आज की डेट में प्रेसिडेंट रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, और यूक्रेन के हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। न्यूक्लियर वारहेड की बात की जाए, एक्टिव ओब्लिक टोटल देखा जाए, न्यूक्लियर वारहेड आज की डेट में 2019 का डाटा है, एक्टिव ओब्लिक टोटल में 1600 एक्टिव वारहेड है, जो न्यूक्लियर वारहेड है टोटल इनके पास, रशिया के पास 6850 है, 2019 का डाटा है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वार कोई नहीं है, ना ही एक्टिव है, ना ही कोई उसके अलावा इनएक्टिव है। देखो, बोन ऑफ कंटेंशन मैंने फिर बता दिया आपको, बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन ईयू एंड नेटो, वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। इससे रशिया को लगता है कि वेस्टर्न हेगेमोनी विल इंक्रीज, उनकी पावर इंक्रीज करेगी इस एरिया में, कल को खतरा हो सकता है रशिया को, खतरा हो सकता है रशिया को। हम अब देखें हुआ क्या अब, क्योंकि वो उसको ज्वाइन करना चाहता था, तो दो प्रोविंसेस हैं ईस्टर्न पार्ट पे। हम मैप पे आते हैं, देखो एरिया वाइज देयर आर टू प्रोविंसेस, डोनेस्क लुहांस्क, ईस्टर्न साइड पे है डोनेस्क लुहांस्क, जो कि बिल्कुल बगल में है रशिया का। देखो रशिया
और यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन रशिया से ही निकला, तो कुछ ऐसे है कि सिंपेथाइजर कुछ एरिया में, नियर बाई एरिया में रशियंस भी हैं यूक्रेन में। तो ये दो प्रोविंसेस हैं जिनकी जिनको आजाद करने की घोषणा कर दी है रशिया ने, विद द सपोर्ट ऑफ रशिया दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट एंटिटी। 21 फरवरी 2022 को यहाँ पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए रशिया ने माना कि हमने पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू कर दी है, पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं दोनों में, कि यूक्रेन उनको ओवर पावर कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू डू द पीस कीपिंग ऑपरेशन इन दीज टू प्रोविंसेस। देखो इससे पहले भी क्रीमिया जो नीचे साउथ ईस्ट में दिख रहा है ना, ब्लैक सी में, ये क्रीमियन पेनिनसुला नाउ इट इज पार्ट ऑफ रशिया, अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ यूक्रेन इन 2014, जिसके बाद मेजर प्रॉब्लम बढ़ी थी रशिया और यूक्रेन की। अब रिलेशन की बात की जाए, इंडो रशिया रिलेशन क्या है, क्योंकि तो सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं, इंडिया ने तो कोई ना ही वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था ना ही ईस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था, इंडिया वॉज हैविंग वेरी गुड रिलेशन, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेटर ऑन देयर आर नाउ द रिलेशन इज वेरी गुड विद यूएसए आल्सो। तो ना ही इंडिया ने वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था ना ही ईस्टर्न ब्लॉक, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे, हम अलाइंड नहीं हैं, हम ध्रुवीकरण की राजनीति को नहीं मानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वी आर नॉट अलाइंड टू, एक साइड पे हम अलाइंड है, चाहे वो कैपिटलिज्म है चाहे सोशलिज्म है। हमारे रिलेशनशिप के वाइज बात की जाए तो सोवियत यूनियन से, जिसका रशिया इनहेरिटेड, सोवियत यूनियन के बाद रशिया ने भी बड़े अच्छा रिलेशन है, क्लोज रिलेशन विद इंडिया, पार्टनरशिप को नाम जो दिया गया था रशिया की और इंडिया की, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फाइनेंशियल पे हम सेकेंड लेक्चर पे जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है युद्ध के बाद, वॉर के बाद, व्हाट कैन बी द सिचुएशन, क्या क्या कहाँ से क्या, हम यूक्रेन के साथ क्या है फाइनेंशियल्स, क्या हम ट्रेड करते हैं। सेकेंड चीज जो हम देखने जा रहे हैं मिलिट्री वाइज और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव वाइज, रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पर हमारे रिलेशन यूक्रेन से भी ठीक ठाक रहे हैं, जैसे यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस अपनी दिसंबर 1991 में की थी, तो हमने इंडिया ने द फर्स्ट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट कंट्री, तो सबसे पहले हमने वी एस्टैब्लिश्ड अवर डिप्लोमेटिक रिलेशन इन जनवरी 1992 विद यूक्रेन, मैंने अपनी एम्बेसी सेटल कर ली थी यूक्रेन में 1992 में, नेक्स्ट मंथ ही 25 दिसंबर 1991 को कंट्री बनाया, तो हमारे वी वर हैविंग वेरी गुड रिलेशन। इवन नाउ आल्सो हमारे 18,095 स्टूडेंट हैं, जो कल की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ने जो डाटा दिया है, 18,095 स्टूडेंट्स जो वहाँ इंडिया के स्टडी कर रहे हैं, 18,095 स्टूडेंट स्टडी, जनरली यहाँ एमबीपीएस करने जाते हैं, पिछले 6 साल की एमबीपीएस रहती है। तो रिलेशन वाइज यूक्रेन और इंडिया के और रशिया और इंडिया के, वी आर हैविंग गुड रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज। ये है कि 24 फरवरी 2022 को अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू स्पीक विद द व्लादिमीर पुतिन, विद द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। उसके बारे में जानकारी दी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जो पीएमओ द्वारा स्टेटमेंट दी गई है उसमें मेजर जो हमारी ओर से ये बोला गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से, ससेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस का एंड करना, ससेशन बिल्कुल खत्म करना, ससेशन ऑफ वायलेंस एंड रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंड डायलॉग, रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन टू एंड डायलॉग, द बातचीत से मसला हल किया जाए और युद्ध को रोका जाए। देखो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री का हेड उस समय रशिया में था जब वार शुरू हुई है, इमरान खान वाज देयर ऑन हिज मास्को ट्रिप, एट प्रेजेंट ही इज देयर ओनली। प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेजिडेंट को, ही आल्सो टॉक रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द इंडियन सिटीजन इन यूक्रेन। हमने 24 आवर्स हेल्पलाइन भी ज्वाइन की है, 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर भी दिया है इंडियन एम्बेसी ने। अब देखा जाए कि नेटो और यूएसए
इनकी क्या पोजीशन है। सैंक्शंस लगाए हैं इन्होंने, इकोनॉमिक सैंक्शन बोलते हैं, कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, ट्रेड नहीं करना, सैंक्शंस, रोक लगानी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कल बयान आ गया था 24 फरवरी को 2022 को, जो अभी तक की सिचुएशन ये है कि यूएस वॉन्ट फाइट रशिया इन यूक्रेन, यूएस वॉन्ट फाइट रशिया, नीदर यूएस नोर नेटो फोर्सेस विल ज्वाइन द यूक्रेनियन फोर्सेस एज पर द लेटेस्ट न्यूज। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो इनकी कन्फ्लिक्ट के बारे में है, जो इस समय प्रेजेंटली जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स में डील किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।